बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली शराब नीति घोटाले से मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर तक के लिए अब सुनवाई टाल दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है, अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी हुई दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई को टाल दिया गया है। अब मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी 5 सितंबर को। 5 सितंबर तक के लिए अरविंद केजरीवाल की सुनवाई को टाल दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है 5 सितंबर तक के लिए, कि सुनवाई को टाल दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि बड़ी राहत इसमें मिल सकती थी, लेकिन फिलहाल टाल दिया गया है अरविंद केजरीवाल की सुनवाई। किस बीच हमारे साथ सुमित जुड़ गए, हमारे संवाददाता सुमित। कहा जा रहा था कि बड़ी राहत हो सकती थी ये अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए अरविंद केजरीवाल 5 सितंबर तक के लिए अब सुनवाई को टाल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए पलक, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया है और जमानत की भी मांग की है। जमानत पर चूंकि सीबीआई ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर सीबीआई ने जवाब अब तक दाखिल नहीं किया था। इसीलिए आज सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो केजरीवाल की जो याचिका है उस पर जवाब दाखिल करने के लिए उसे और समय चाहिए, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 5 सितंबर को होगी, जहां केजरीवाल की जमानत की याचिका के साथ साथ उनकी जो गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चूंकि दोनों याचिका जो है एक साथ सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एक में सीबीआई ने जवाब दाखिल किया था लेकिन दूसरे याचिका में जवाब दाखिल नहीं किया था, यही वजह आज रही कि केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। तो अब 5 सितंबर तक सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि जमानत के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। तब तक सीबीआई को इस पूरे मामले में जवाब जो है अपना दाखिल करना होगा। जो जमानत के खिलाफ जो सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है उसमें एक बार फिर से सीएम केजरीवाल की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। यहां तक कहा है कि वह इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है, किंग पिंग है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाना चाहिए, यह सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल की जमानत के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है, दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 5 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा, जहां सीबीआई का जवाब जो है वो 5 सितंबर से पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने। सुमित, एक तरफ सीबीआई मास्टरमाइंड बता रहा है अरविंद केजरीवाल को, हालांकि 5 सितंबर तक अब जेल में ही रहना होगा, लेकिन 5 सितंबर के बाद अरविंद केजरीवाल की राह कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है? देखिए, जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्हें ये लगता है कि उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्राउंड यहाँ अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं कि उन्हें ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल गई है, इस आधार पर उन्हें सीबीआई केस में भी राहत मिलनी चाहिए। हालांकि पिछली सुनवाई की बात करें पलक, तो अंतरिम जमानत देने से सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। तो फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं है। हालांकि अभी सीबीआई का दोनों याचिकाओं पर जब जवाब आ जाएगा, तब 5 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या केजरीवाल को राहत दी जानी चाहिए या नहीं। 5 सितंबर को देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, आफत बढ़ती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।